नमो नारायण मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही प्रोग्राम भाग्य मंथन में, जहां रोज होता है चिंतन आपके जीवन को संवारने के लिए। मैं ज्योतिषाचार्य राहुलेश्वर। ईमेल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त जन्म कुंडलियों में से हमने जो आज एक जन्म कुंडली चुनी है, उस भाग्यशाली जातक का नाम दीपक दहिया है, जो कि फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका प्रश्न देखते हैं, आइए। गुरु जी प्रणाम, मेरी कोई नौकरी नहीं लग पा रही है और ना ही मैं किसी व्यवसाय को कर पा रहा हूं। कृपया मेरी कुंडली देखकर बताएं कि समस्या कहां आ रही है और यदि कोई उपाय हो तो कृपया बताएं। जन्म विवरण, नाम दीपक दहिया, जन्म दिनांक 9/10/1981, जन्म समय 6 बजे शाम के, जन्म स्थान फरीदाबाद हरियाणा। आइए दीपक के फलित विभाग पर नजर डालते हैं। दीपक, आपका जन्म नक्षत्र घनिष्ठा है, चरण दूसरा, नक्षत्र स्वामी मंगलदेव, नक्षत्र व चरण के हिसाब से आपका जन्म नामाक्षर घी है। दीपक दहिया का जन्म लग्न जो आपका बनता है वह मीन है, जिनके स्वामी ग्रह बृहस्पति देव हैं, व आपकी चंद्र जन्म राशि मकर है, जिनके स्वामी ग्रह शनि है। आइए देखते हैं आपके कारक भाव। आपका जो प्रथम कारक भाव है वह नवम है, दूसरा कारक भाव आपका दशम है, व तीसरा कारक भाव आपका एकादश भाव है। मुख्य रूप से कारक ग्रह आपकी कुंडली में जो आपकी समस्या से संबंधित ग्रह हैं वह इस प्रकार है, बृहस्पति, चंद्रमा व शनि मुख्य रूप से। अब देखते हैं बाधक योग। बाधक योग होता क्या है पहले यह जान लें। जो कोई ग्रह या ग्रहों का समूह किसी इच्छा के उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसे ग्रह को बाधक ग्रह या बाधक योग कहते हैं। आइए देखिए आपकी कुंडली में पहला बाधक योग क्या है। पंचम स्थान से पद्म नामक काल सर्प योग बन रहा है, जो हर प्रकार से आपकी उन्नति में बाधक है। दूसरा बाधक योग, कार्यस्थान के स्वामी बृहस्पति देव शनि के साथ बैठकर कार्यस्थान में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। शनि बृहस्पति का योग अउद्यमी योग का निर्माण करता है, जिसमें आदमी कोई भी किसी भी प्रकार का काम या व्यवसाय नहीं कर पाता। तीसरा बाधक योग, लाभ स्थान पर चंद्र केतु द्वारा ग्रहण योग बनाना, जो कि लाभ प्राप्ति में बाधक है। चौथा बाधक योग, पंचम भाव, जो कि सुख समृद्धि का सूचक है। यहां मंगल और राहु का चांडाल योग बन रहा है, जो कि किसी भी कार्य में मन नहीं लगने देता व भटकाव की स्थिति पैदा करता है। आइए देखें आपकी महादशा क्या चल रही है। दीपक की अभी गुरु की महादशा चल रही है, जो कि कुल 16 वर्ष की होती है। यह 7/6/2003 से होकर 7/6/2019 को समाप्त होगी। आपकी कुंडली पर हमारा निष्कर्ष जाने। आपकी जन्म कुंडली के अंदर कई ऐसे योग हैं जो कि आपके कार्यस्थान में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। समय समय पर बाधा उत्पन्न करते रहेंगे, यह स्थिति ऐसी चलेगी नहीं। ऐसे योग तब और ज्यादा प्रबल हो जाते हैं जब मांसाहार, नशा व प्रायः स्त्री से संबंध ज्यादा रखता है कोई व्यक्ति। जन्म कुंडली में राहु की पंचम दृष्टि नशे की तरफ भी आप इशारा कर रही है। आपकी कुंडली ये जा रही है जो नशे की तरफ भी जा रही है, जो कुंडली के अच्छे योगों को और ज्यादा खराब कर देती है। इसलिए बुरी आदतों को बिना समय नष्ट किए त्याग दें। आपकी जन्म कुंडली में स्थित अच्छे योगों को बल देने के लिए और आपकी कुंडली के बुरे योगों को ठीक करने के लिए हम कुछ उपाय बता रहे हैं। इन्हें नियमित रूप से मन लगा के करने से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इन्हें ध्यान से सुने। आपका पहला जो उपाय आता है वह आता है मंत्र क्षेत्र से। नशे की आदतों को दूर करने व कार्यस्थान की बाधाओं को दूर करने के लिए ओम धूम्रकेतवे नमः का जाप करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा उपाय आता है आपका यंत्र क्षेत्र से। सर्व कष्ट निवारण यंत्र शनिवार के दिन पश्चिम दिशा में लगाएं व रोज उसका पूजन करें। तीसरा उपाय आता है आपका रुद्राक्ष क्षेत्र से। 8, 9 व 10 मुखी रुद्राक्ष का अभिमंत्रित कवच सोमवार के दिन धारण करें। चौथा उपाय आता है आपका दान क्षेत्र से। 21 बुधवार के दिन 1.25 किलो उड़द शनि मंदिर में दान किया करें। पांचवा उपाय आता है आपका पूजा व अनुष्ठान क्षेत्र से। शनि देव के जाप करवाएं और दशरथकृत शनि चालीसा का पाठ नित्य किया करें, तुरंत लाभ होगा। यदि आप ग्रहों के जाप कराने में सक्षम नहीं है तो हमसे संपर्क कर सामूहिक जाप का हिस्सा बन सकते हैं। आज की कुंडली पर सामान्य ज्ञान जाने। बुरा प्रभाव देने वाले ग्रह हर व्यक्ति की कुंडली में होते हैं, परंतु वह और बुरा प्रभाव तब देते हैं जब आप वर्तमान में भी बुरे कर्मों में लिपटे रहते हैं। इसलिए यदि आप किसी भी परेशानी से त्रस्त हैं तो कोई ऐसा कार्य ना करें जो स्वयं आपकी अंतरात्मा को सही ना लगे। दोस्तों, भाग्य मंथन में हर रोज हम एक जन्म कुंडली का मंथन करते हैं व अंत में उनकी समस्याओं का उपाय बताते हैं। यदि आपकी समस्या भी बताई गई जन्म कुंडली जैसी हो तो आप भी इन अचूक व सटीक उपायों पर इनसे लाभ उठा सकते हैं, या फिर अपनी जन्म कुंडली के विस्तृत रूप से मंथन के लिए हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे ईमेल या मोबाइल नंबर पर अभी संपर्क करें व अपॉइंटमेंट बुक करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलिए मुझसे भाग्य मंथन में और बदले अपना भाग्य मेरे साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।